हरियाणा में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया और इस फैसले ने हरियाणा में बीजेपी के क्लीन स्वीप की संभावना को और ज्यादा बढ़ा दिया। बीजेपी हरियाणा के अंदर 80-20 के ऐसे फॉर्मूले पर काम हो रहा है, बीजेपी ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रही है जिसने विरोधियों को मुश्किल में डाल दिया। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआत से ही लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने हरियाणा में अपना कप्तान बदल दिया है। हरियाणा के अंदर बीजेपी ने इतना बड़ा फेरबदल किया है कि विरोधी नेता चौंक गए हैं। मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के फौरन बाद बीजेपी के ओबीसी नेता नायब सैनी ने शपथ ले ली है। आखिर अचानक हरियाणा में इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया और अब बीजेपी में मनोहर लाल खट्टर का क्या रोल होगा? क्या इस फेरबदल का कनेक्शन 370 प्लस के टारगेट से भी है? आखिर इस फेरबदल के ठीक पहले क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने खट्टर की तारीफ की थी? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। यह बीजेपी की आजमाई हुई कामयाब रणनीति है। ठीक ऐसा ही गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले विजय रूपानी को बदलकर भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया था और पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी गई, जिसका नतीजा गुजरात में बीजेपी की सबसे शानदार जीत दर्ज हुई थी। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी बीजेपी के ओबीसी लीडर हैं। नायब सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। अक्टूबर 2023 में ही बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। 25 जनवरी 1970 को अंबाला के गांव मिर्जापुर माजरा में उनका जन्म हुआ था। अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत नायब सैनी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की थी। साल 2014 में नायब सैनी नारायणगढ़ से विधायक बने। हरियाणा के फेरबदल की बड़ी वजह दुष्यंत चौटाला की पार्टी जन नायक जनता पार्टी से गठबंधन के टूटने को भी बताया जा रहा है। हरियाणा में पिछली बार के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने सभी 10 लोकसभा सीटों में जीत दर्ज की थी। जहां रोहतक में जीत का मार्जिन कम था, लेकिन वहीं बाकी की 9 लोकसभा सीट में जीत का मार्जिन काफी बड़ा था। लेकिन जननायक जनता पार्टी लोकसभा की 2 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन बीजेपी सिर्फ 1 सीट देने को तैयार हुई। आखिरकार यह गठबंधन टूट गया, सहमति नहीं बन पाई। उम्मीद थी कि गठबंधन हो जाएगा क्योंकि गुरुग्राम दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के मंच पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद थे, लेकिन फिलहाल बात बिगड़ चुकी है। बीजेपी दुष्यंत चौटाला से रिश्ता तोड़कर ये साफ संदेश देना चाहती है कि वो हरियाणा में गैर जाट की राजनीति करेगी। हरियाणा में गैर जाट वोट 80% और जाट वोट 20% है। दुष्यंत के अलग अलग चुनाव लड़ने से जाट वोटों में बंटवारा होगा, क्योंकि इससे जाट वोट एक तरफा भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई वाली कांग्रेस को ही नहीं मिलेंगे, इससे बीजेपी को कुछ सीटों पर फायदा हो सकता है। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री अपने मनोहर लाल जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पार्टी ने संगठन ने जो जिम्मेवारी दी है उसको 100% पूरा करूंगा। 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे हरियाणा की और बड़े मैंडेट के साथ जीतेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार से बीजेपी सांसद विजेंद्र चौधरी भी अब कांग्रेस में जा चुके हैं। सवाल ये है कि क्या ये भी बीजेपी की गैर जाट राजनीति का ही हिस्सा है? लेकिन मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक इसकी वजह जनता की नाराजगी है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा की रैली में ही मनोहर लाल खट्टर की ईमानदारी और सादगी की काफी तारीफ की थी, जिससे ये साफ पता चलता है कि खट्टर को आगे भी बड़ी भूमिका और पद मिलना तय है। हरियाणा में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करने के लिए अपना लॉन्चिंग पैड तैयार कर लिया है और जल्द ही वो और भी कई बड़े फैसले ले सकती है।